गीत आके खोलो गीत गीत ओए क्या हो रहा है ये सब पाजी ये बेहोश हो गई है किसी को जल्दी से बुलाई वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा था मिनट तू उसका नाम कैसे जानता है पाजी मैं ये बाद में बताऊंगा पहले आप किसी को बुलाओ क्या हो रहा है ये वो पाजी मैं कमरे के बाहर से जा रहा था तो देखा कि ये बेहोश हो गई अब बाहर से नहीं आए अंदर पाजी, से इनकी तबीयत हट गीत गीत अरे गीत बीजी बोलो की हो तेजी मित्र बीजी तेजी मित्र मेरी गाल तो सुन इससे तो पूछ के ये यहाँ पे क्या ओ, मामा जी ये सब बातें बाद में कर लेंगे पहले मैं देखूं गीत को क्या हुआ है क्यों यहाँ पर गीत बेहोश हो गई बीजी हाय रब्बा गीत गीत पुत्र जल्दी से डॉक्टर को बुलाए और तू हमें बताएगा क्या करना चाहिए ये ले इसमें डॉक्टर खोसला का नंबर ढूंढ उनसे उनके क्लिनिक का रास्ता पूछ और उन्हें यहां पे लेके आ जा और छेती करे लच्छी जा जल्दी से पानी गरम करके ला बीजी क्या हो गया तेजी पुत्र गा सुन ये जो ड्राइवर है ना बलवंत मैंने पूरा शक है कि वही बंदा आंखें खोल पुत्र लकी पुत्र ये जो बंदा है ना बलवंत ड्राइवर वीर जी मैं देख के आता हूँ उसने फोन किया नहीं किया छेती कर पुत्र क्यों यार गीत पुत्र है गीत गीत आंखें खोल पुत्र गीत खाया पिया है कि नहीं सवेरे से इसने कुछ आइए डॉक्टर साहब ओए बाहर रुको ओए वीर जी ने बोला ना बाहर रुकने के लिए चलो बाहर गीत हर सजा मंजूर है लेकिन ये सजा कैसी है कि तुम मेरे सामने और मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता क्या हो गया मेरे गीत को डॉक्टर साहब अंदर ही है ना हाँ हाँ जी अरे लच्छी मेरी बात सुनो ये चाय तुम अंदर ले जा रही हो ना हाँ मुझे दे दो क्यों मेरा काम है मैं करूंगी नहीं सुनो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी मैं लेके जाता हूँ नहीं मैं लेके जाऊंगी लच्छी देखो तुम बहुत थक गई हो और तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है और तुम कितना काम करोगी अच्छा जी अब ड्राइवरी के साथ साथ मेरा काम भी करोगे ठीक है मैनू की ले जाओ ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है थोड़ा चक्कर वक्कर आ गया होगा एक्चुअली कमजोरी इनको बहुत है खाती पीती तो कुछ है नहीं अब कमजोरी नहीं आएगी तो और क्या होगा समझ में नहीं आता जब से यहाँ पे आई है पता नहीं कहाँ खोई खोई रहती है और लड़के ने भी ना मेरी बच्ची को पता नहीं किस परेशानी में डाल दिया है
आप समझाइए इन्हें, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। वैसे मैंने अभी इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, बलवंत आपको क्लिनिक छोड़ देगा। बलवंत। हाँ जी पाजी, पहले कुछ चाय वाय अगर। जी नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तेजी तू भी जाके हिसाब किताब कर दे। जी पीजी। आइए डॉक्टर साहब। काके ला, मैंने फड़ा। बन के खड़ा है, उधर डॉक्टर साहब तेरा इंतजार कर रहे हैं। लक्की पाजी, वो गीत को होश आ गया और गीत का ख्याल रखना। ओए, मोना मेरी बहन है और उसका ख्याल कैसे रखना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। तेरे को ना ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है और तू ज्यादा जत्र बनने की कोशिश ना कर, जा डॉक्टर साहब को छोड़ के आ। जी पाजी। कहीं वो बलवंत थी, मान तो नहीं। एक मिनट। कक्का, मैं भी तेरे नाल चलांगा। सबसे पहली गल तो ये है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरी शातर आंखों ने तेरे को कहां देखा है, और दूसरी गल ये है कि तू गीत के कमरे तक कैसे पहुंचा, और सबसे बड़ी गल ये है कि तू गीत का नाम कैसे जानता है। काका, बहुत लंबी गलबात है, साथ चलते हैं, रस्ते से गलबात करेंगे। चलो चल आ जा। गीत पुत्र, ये क्या हाल बना रखा तूने? वो गीत, शुक्र है रब दा, वो तूने तुम्हारी जान ही निकाल दी थी। वो क्या पानी फड़ के खड़ा है, उन्हें दे ना। गीत ये ठीक नहीं है, अगर आपको चक्कर आया था तो मुझे कम से कम आवाज लगा लेते। और पहलवान, अपनी अक्ल पे हाथ मार, वो चक्कर आएगा तो आवाज लगाएगी क्या? बाजी वो मुझे क्या पता, मुझे कभी आया नहीं ना इसलिए। वो चक्कर लाऊं तेरा? क्यों बार बार ये एहसास हो रहा है कि मान मेरे करीब है? लच्छी पुत्र, बहुत हो गया तेरा ये गुमसुम रहना और भूखे रहना। तूने बहुत कर लिया और मैंने बहुत देख लिया, अब से तू वक्त पे खाना खाएगी और तेरे खाने पीने पे नजर मैं रखूंगी। पर मां से मेरा मन ही नहीं करता। पुत्र, मन का क्या है, मन की डोर तो अपने हाथों में होती है। देख पुत्र, मैं तो एक छोटी सी बात जानती हूँ, जान है तो जहान है। और देख, मेरे रहते तू अपने शरीर को बिल्कुल तकलीफ नहीं देगी, समय पे खाना खाएगी और समय पे सोएगी, और तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा।
समझ में आ गई ना बात? जी मैम। आज से ना गीत की खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं ना एकदम गीत का प्रॉपर चार्ट बना दूंगा, कब खाना है, कब पीना है और कब सोना है। देखना, दो ही दिन में ना ये मेरे जैसी तंदुरुस्त हो जाएगी। बीजी, आपने बुलाया? आज से गीत के खाने पीने की जिम्मेदारी तेरी है, और अगर ये खाना नहीं खाएगी तो तू मुझे आके बताएगी, और जब तक खाना खत्म ना हो तू वहां से हिलेगी नहीं। समझ में आ गई ना बात? जी बीजी। ये सब कुछ इस मानसिंह खुराना की वजह से हो रहा है। वो एक बार मेरे हाथ आ जाए ना तुम्हें। तेरे को गड्डी और हवाई जहाज का फर्क पता चलता है क्या? नहीं, गड्डी तो उड़ाता फिरता है तो हवाई जहाज का तो रॉकेट बना देगा। तौबा तौबा करता गया हूं, रब रब करता वापस आया हूं। और मेरी गाल सुन रहा है कि नहीं? बॉडी च ग्लूकोज ही घट गया। ठंड पै गई। आप फिक्र मत करें बीजी, रात भर गीत का ख्याल मैं रखूंगा, तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं कमरे में ही रुक जाऊंगा। ठीक है पुत्र, तू रुकी जाना इधर। जी। कैसी सजा है गीत? जाकर भी तुम्हें देख नहीं सकता, तुम्हारा ख्याल नहीं रह सकता। ये दुनिया कब खत्म होगी गीत? कब खत्म होगी? सो जा तू, मैं यहीं पे हूं, ठीक है? किसी चीज की भी जरूरत हो मैं आसपास ही हूं तेरे। मैं उड़े आया, यहीं पे हूं। आज मैं तुम्हें अपने सीने से लगा के सोऊंगा ताकि तुम मेरे दिल के करीब रहो। आई लव यू किड, आई लव यू।
रही तू तो ठीक है ना? बच्चे आराम कर ले तू, हाँ ज्यादा टेंशन ना ले, मैं यहीं पे हूं, आराम कर। क्या आप नहीं कही ओमान? इतने करीब होकर भी गीत, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। क्यों बार बार आपके पास होने का एहसास होता है? ठीक है, ये फाइल अकाउंट्स में देना। ओके सर। और सुनो, ब्रो और आदि के आने तक ऑफिस में कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार मुझसे चेक जरूर कर लेना। ओके राइट, थैंक यू। देव सर, आदि, ये क्या हुआ तुम्हें? और ब्रो का है? मान सर अभी अमृतसर में है और गीत मिल गई है। गीत मिल गई, थैंक गॉड। लेकिन वहां सब ठीक है ना? दोनों की बात हो गई? उनकी आपस में कोई बात नहीं हुई है सर। असल बात तो यह है कि गीत ने अभी तक मान सर को माफ नहीं किया है। क्या? और मान सर ने कसम खाई है कि जब तक वो गीत को मना के वापस नहीं ले आते वो वहीं रहेंगे। आदि, वहां जो भी हो तुम घर में किसी को नहीं बताओगे, खास करके दादी माँ को तो बिल्कुल नहीं। ऑलराइट? मैं समझता हूँ सर, अब बेफिक्र रहिए। दीदी खा लीजिए ना। तो क्यों है? देखिए ना वीर जी, दीदी तो कुछ खा ही नहीं रही है। और जाके कुछ देसी नाश्ता लेके आना। ये क्या बिस्किट यहाँ पे रखा हुआ है? जा। लच्छी, अब गीत जी ठीक तो है ना? गीत दीदी तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उनकी इतनी फिक्र क्यों है? अब घर में कोई बीमार हो तो उनके बारे में पूछना तो चाहिए ना। पूछ लिया? अब मुझे बहुत काम है। बीजी ने दीदी की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। हटो रास्ते से, जाने दो। लच्छी, अच्छा ये तो बताओ, ये तेजी पाजी कहाँ है? तुम्हें सारे घर वालों के बारे में जानना है? वो वहीं अंदर कमरे में ही है। और किसी के बारे में पूछना है? मुझे बहुत काम है, नाश्ता बनाना है दीदी के लिए। और वैसे भी दीदी को तो कुछ पसंद ही नहीं आता, जो भी बनाओ मना कर देती है, कुछ खाती ही नहीं है। लच्छी, इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम ड्राइवर होकर मेरी मदद करोगे? यहाँ सब काम मैं खुद ही करती हूँ। मुझे पता है गीत कि तुम्हें कैसे खिलाना है।